3000 इंटरव्यू के बाद हुआ चयन, अब राम मंदिर की संभालेंगे जिम्मेदारी। कौन है मोहित पांडे जो अयोध्या में भगवान राम की रोज उतारेंगे आरती? मोहित पांडे बनेंगे राम मंदिर के पुजारी, क्या है योग्यता और कितनी मिलेगी सैलरी? आचार्य की पढ़ाई के लिए गए तिरुपति, 7 साल तक दूधेश्वर में की पढ़ाई, धर्म और कर्म कांड में महारत हासिल। जी हाँ, जिस घड़ी का सालों से इंतजार था वो अब जल्द ही आने वाली है, जिसकी लोग सिर्फ कल्पना करते हैं, अब वो सपना साकार होने वाला है। अयोध्या में भगवान राम विराजेंगे, पूरा देश इसका गवाह बनेगा। राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर को तैयार किया जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, इसके लिए निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। इसके लिए पीएम मोदी सहित कई बड़ी हस्तियों को निमंत्रण पत्र मिल चुका है। वहीं अयोध्या में भगवान रामलला के पूजा और अर्चना के लिए पुजारी के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। श्री राम मंदिर में पुजारी के रूप में दूधेश्वर नाथ वेद विद्यापीठ के छात्र मोहित पांडे का चयन हुआ है। लगभग 3000 पुजारियों के इंटरव्यू में से 20 का चयन किया गया है, जिसमें से एक मोहित भी शामिल है। चयनित सभी पुजारियों को 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद नियुक्ति होगी। ऐसे में मोहित कौन है, उनकी शिक्षा क्या है और उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी, ये सब भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगले 2 मिनट में आपको सब बताते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी भगवान राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर वीडियो को शेयर कर दीजिए। मोहित सीतापुर का रहने वाले हैं। मोहित ने दूधेश्वर नाथ वेद विद्यापीठ में 7 साल तक सामवेद की शिक्षा ली। सामवेद की शिक्षा पूरी होने के बाद आचार्य की पढ़ाई के लिए तिरुपति चले गए। आचार्य की डिग्री लेने के बाद वह पीएचडी की तैयारी भी कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने राम मंदिर के पुजारी के लिए भी आवेदन किया था, जिसमें उनका चयन हो गया है। इससे पहले आचार्य तैयोराज उपाध्याय और आचार्य नित्यानंद को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। दोस्तों, राम मंदिर में पुजारी के लिए आवेदकों की उम्र 20 से 30 साल होनी जरूर है। इसके साथ ही आवेदक ने 6 माह की श्री राम नंदनीय दीक्षा ली हो और गुरुकुल शिक्षा पद्धति से पढ़ाई होनी अनिवार्य है। इसके साथ ही ट्रेनिंग के दौरान अर्चकों को रहने खाने की भी व्यवस्था रहेगी। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अभी हाल ही में पुजारियों के वेतन बढ़ाया था। ट्रस्ट ने मई में पहला इंक्रीमेंट देते हुए मुख्य पुजारी को 25,000 रूपए और सहायक पुजारियों को 20,000 रूपए देने का निर्णय लिया था। वहीं अक्टूबर महीने में दोबारा मुख्य पुजारी का वेतन 25,000 रूपए से बढ़ाकर 32,900 रूपए और उनके सहायक पुजारियों का वेतन 31,000 रूपए कर दिया है। मोहित पांडे आचार्य की डिग्री लेने के बाद पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं। मोहित ने दूधेश्वर वेद विद्यापीठ से 7 साल तक धर्म और कर्मकांड की शिक्षा ली है। यहाँ पिछले 23 सालों से विद्यार्थियों को वेद शिक्षा देने का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद में दूधेश्वर नाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ये उत्तर भारत के प्रमुख मंदिर में से एक है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। इस मंदिर के परिसर में ही दूधेश्वर वेद विद्यापीठ भी संचालित होता है। यहाँ देश भर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुँचते हैं। दूधेश्वर वेद विद्यापीठ से शिक्षा ग्रहण कर चुके विद्यार्थी देश विदेश में पुजारी और आचार्य के रूप में सेवा कार्य कर रहे हैं। मोहित के अलावा ऋषभ शर्मा वहां पहले से ही पुजारी के रूप में तैनात हैं, लेकिन 3000 विद्वानों को पीछे करके मोहित ने सबसे बड़ा काम कर दिखाया है। आप श्री राम के इस भक्त को कैसे बधाई देंगे, कमेंट में जरूर बताएं।